सो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि पिछले 2-3 ब्लॉग में मेरे हाथ में जो छोटी सी बच्ची है वो कौन है। तो मैं अभी इस व्लॉग में आपको उस बच्ची से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। वो है मेरे भाई की बेटी, रॉबिन की बेटी खिया। मतलब अभी तो हम लोगों ने उसका यही नाम रखा है, बट डेफिनेटली आप लोग मुझे और नाम सजेस्ट कर सकते हो। उसका नाम ख अक्षर से निकला है, तो अभी के लिए हम घर पे उसे खिया बुलाते हैं। और ये सारी डेकोरेशन की थी हमने गुरशरण और किया के वेलकम के लिए। पूरे फ्लावर्स से हमने रास्ते को बाहर एंट्रेंस से लेके अंदर तक पूरा फ्लावर्स से भर दिया था, और बहुत सारे बलून्स लगाए थे क्योंकि मम्मी ने स्पेशली बोला था कि हम रूम के अंदर ज़्यादा बलून्स ना लगाएं, तो हमने बाहर ही लगाए थे। एंड फिर हमने पटाखे वटाखे फोड़ के उनकी एंट्री की, और हम ढोल भी बजाने वाले थे, बट मम्मी ने बोला कि ढोल मत मंगवाओ, बच्ची डर जाएगी। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने ढोल कैंसिल किया, और भी 2-4 चीज़ें थी छोटी छोटी जो हमने फिर कैंसिल की, और खुद ही ये सारा डेकोरेशन किया। तो यहाँ मैं किया को लेके आ रही हूँ। सो हुआ ये था कि जब भी किया हो गई, तो मैं उसके बाद फिर वो बीमार हो गई, उसे इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से बेचारी बच्ची को पूरे 1 हफ्ते 8 दिन कुछ NICU में स्पेंड करना पड़ा। उसके बाद फाइनली वो ठीक हो गई, और हम लोग बहुत खुश थे कि गुरशरण और किया दोनों भी अच्छे से ठीक हो के घर आ गए थे। तो यहाँ उसका वेलकम हो रहा है, मम्मी तेल डाल रही है दरवाजे पे, ये ऐसा रिचुअल है करते हैं घर पे वेलकम करने के लिए। तो यहाँ तेल डालने के बाद किया को और मुझे और गुरशरण को और रॉबिन को सबको मम्मी ने टीका लगाया, और फिर इनकी आरती वारती उतारी। मीनवाइल मैं आपको एक झलक दिखाती हूँ बाहर से कैसा लग रहा था, पूरा अंदर तक हमने डेकोरेट किया। तो यहाँ सारी गुशन की फैमिली, हमारी फैमिली पूरी खड़ी है इसको वेलकम करने के लिए। तो ये मम्मी सारे रिचुअल्स कर रही है। इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने गुशन को हैंड ओवर कर दिया किया को, कि लो भाई अब किया को लेके तुम एंट्री करो। और रॉबिन और गुशन यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से हमने पूरा फ्लावर ऐसे डाल के रखा था। गुशन बहुत खुश हो गई थी इसको देख के। फिर मम्मी ने उसकी आरती वगैरह उतारी, और फिर बच्ची को फूल वूल दिया, आरती दी, एंड देन ये दोनों घर के अंदर आए। फिर घर के अंदर आने के बाद हम लोगों ने ये बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा केक लिया। मैं एक्चुअली लेने गई थी, और मुझे ये केक दिखा तो मुझे बहुत पसंद आया। ये यूनिकॉर्न थीम में बना हुआ था, पर्पल पिंक और वाइट से डेकोरेटेड था। फिर हमने इसमें लिखवाया वेलकम प्रिंसेस किया, और यहाँ पे हमारी प्रिंसेस का वेलकम किया। रॉबिन और गुरशरण ने केक कट किया, उसके बाद हमारी सारी फैमिली ने बहुत सारी फोटोज़ खिंचवाई। एंड आप लोग बोल रहे थे कि बीच में ससुराल वाले व्लॉग के बाद बाकी सारे व्लॉग गायब हो गए, एक्चुअली 1-1.5 महीना हम लोग सब इनके साथ बिजी थे, किया के साथ बिजी थे। टाइम कब कैसे कहाँ निकला कुछ पता नहीं चला, दिन रात बस उसके साथ उसकी मस्तियों में लगे रहते थे।